जोधपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे राजवीर सिंह बाता के निलंबन के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर में व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आदेश को वापस लेने की मांग की। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अविनाश खारा ने बताया कि राजस्थान में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे और अब विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण विश्वविद्यालय के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एबीवीपी ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अनावश्यक रूप से छात्र नेता राजवीर सिंह बांता को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुका है और विश्वविद्यालय के छात्रों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पेपर लीक गिरोह के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी प्रकार छात्रहितों को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वीसी कार्यालय में प्रवेश करने से रोका तो एबीवीपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर तकरार हुई और आतापाई भी हुई। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। जयेंद्रन व्यास विश्वविद्यालय के अंदर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त छात्र शक्ति द्वारा जो गत वर्ष और गत दिनों पहले जो विश्वविद्यालय के बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, पहले राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, अब जयेंद्रन व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, महर्षि विश्वविद्यालय और उदयपुर जैसे विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों पर पेपर लीक होने शुरू हो गए। जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, छात्र अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस जो अंदर बैठे भ्रष्टाचारी जो पेपर के अंदर लीक जो पेपर खुद प्रशासन लीक करवा रहा है उनकी सुरक्षा के अंदर राजस्थान पुलिस आज बड़े बड़े अधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि कब तक राजस्थान की सरकार, राजस्थान के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारी ये कब तक पेपर लीक करते रहेंगे और छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। मुख्यमंत्री का जो भी पेपर लीक करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई क्या मुख्यमंत्री जी महोदय का गृह क्षेत्र है, ये गृह क्षेत्र के हालात देख लीजिए। गृह क्षेत्र के अंदर जिस विश्वविद्यालय के अंदर मुख्यमंत्री जी खुद शिक्षा लेके गए हुए उस विश्वविद्यालय के ऐसे हालात हैं, ऐसे 2013 भर्ती का इस दौरान देख लो, वही शिक्षक लगे हुए हैं जो 2013 भर्ती घोटाले के अंदर शिक्षक थे, वो क्या स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, वो पेपर वो खुद उनके अंदर जांच चल रही है, वो पेपर लीक करने जैसे ही है। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, अपने गृह क्षेत्र नहीं सुधर पा रहा है तो क्या राजस्थान का सुधारेंगे? ये राजस्थान के पूरे अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ इस पत्रों के अंदर आज भ्रष्टाचार की अलग अलग पत्रों के अंदर बू निकल रही है, क्योंकि यहाँ का छात्र पढ़ने वाला न्याय मांग रहा है तो राजस्थान के स्टूडेंटों का क्या हाल होगा? अविनाश खरा।